नमस्कार, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही विवादित टैक्स के बारे में बात करने के लिए। वो कानून जो वोडाफोन और कैन एनर्जी टैक्स विवादों की बिल्कुल जड़ में था, अब मोदी सरकार ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। मोदी सरकार अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून खत्म करने जा रही है और इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये कानून क्या था और इससे जुड़े हुए विवाद क्या रहे, क्योंकि इससे जुड़े हुए काफी कानूनी दाव पेच भी रहे और उससे देश की साख को भी कहीं ना कहीं कहें तो उस पर थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा। साल 2012 की बात करते हैं जब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, तब रेट्रोस्पेक्टिव कानून को देश में लाया गया। अब ये समझते हैं टैक्स है क्या। ये टैक्स कंपनियों से उनके पहले हुई डील पर भी वसूला जाता है, मतलब कि अगर पहले की तारीख से जो टैक्स आपसे वसूला जा रहा है उसका मतलब यह है कि अगर कंपनी किसी कंपनी पर आज की कुछ देनदारी बनती है, कुछ टैक्स बनता है, तो वो आज से नहीं, वो तब से वसूला जाएगा जब से वो कंपनी इस टैक्स के दायरे में आ रही हो। ये काफी विवादित कानून रहा है और इसकी आलोचना भी काफी ज्यादा हुई। अब सरकार जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करना जा रही है तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट जानकार इसे एक बोल्ड स्टेप, एक बोल्ड कदम बता रहे हैं। दरअसल इस टैक्स से मुनाफा जितना भी हुआ हो देश को या सरकार को, उससे ज्यादा किरकिरी भी सरकार को झेलनी पड़ी। अब वोडाफोन और कैन एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। इन दोनों की टैक्स मामलों में भारत को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट तक ये कंपनियां घसीट कर ली गई और वहां पर ये कंपनियों की जब दलीलें दी गई तो उसके बाद उनकी जब जीत हुई तो उससे देश की काफी किरकिरी हुई। दिसंबर 2020 में कोर्ट ने कैन एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया और भारत को, आपको सुन के हैरानी होगी, करीब 120 करोड़ डॉलर वापस करने के लिए कहा गया। केस जीतने के बाद, इसके बाद भी जो हमारी किरकिरी है वो खत्म नहीं हुई। कैन एनर्जी ने पैसों की वापसी करने के लिए, लेने के लिए विदेशों में एयर इंडिया समेत भारत सरकार की जो दूसरी संपत्तियां हैं उन पर अपना दावा ठोक दिया और कई सारे केस दर्ज करा दिए। इस दौरान भारतीय सरकार एक ही बात कहती रही कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका कुछ फैसला निकाला जा सके, इसका कुछ नतीजा निकाला जा सके। इस पूरे विवाद के पीछे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ही वजह माना गया था, क्योंकि कैन एनर्जी 2007 में अपनी इंडियन यूनिट कैन इंडिया को उसने भारत में लिस्ट कराया। 2011 में इस कंपनी ने 10% हिस्सेदारी अपने पास रखकर बाकी 90% जो हिस्सेदारी है वो वेदांता लिमिटेड को बेच दी। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी, 2012 में नियमों में बदलाव कर बैक डेट में जाकर टैक्स लगाते हुए मार्च 2015 में कंपनी से करोड़ों रुपए का टैक्स मांगा और वेदांता कैन के कुछ जो उनका हिस्सा था 10%, उसकी हिस्सेदारी भी बेच दी। इसी के खिलाफ कैन एनर्जी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में गई और वहां जाकर अपील दायर करने के बाद वो इस पूरे केस को जीत भी गई। अब वोडाफोन की आपको बात बताता हूं। वोडाफोन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ने वोडाफोन को, वहां पर उनकी दलीलों पर जीत हासिल हुई और भारत को वोडाफोन से लिए गए करोड़ों रुपए के टैक्स को वापस लौटाने को कहा गया। ये केस 2007 का था जब वोडाफोन ने हचिनसन एसआर का टेक ओवर करते हुए कंपनी की 67% हिस्सेदारी वहां पर खरीदी थी। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बार फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिजीम को लाने के बाद उनसे कई करोड़ रुपए का टैक्स मांगा, जिसे कंपनी ने देने से इनकार कर दिया और वो कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी वोडाफोन पहुंच गया और वहां फिर से कंपनी की जीत हुई। तो अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि इस टैक्स से मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाया जाए, इस बला को टाला जाए। सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने जा रही है और संसद में वित्त मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि सरकार ये भी प्रस्ताव रख सकती है कि इससे जुड़े मामलों में जो टैक्स लिया गया था उसे ब्याज सहित, आप ठीक सुन रहे हैं, ब्याज सहित वापस लौटा दिया जाए।